सुप्रभात कह रहे हो, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका श्यामा शर्मा आज आपको आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है भाषा अधिगम एवं व्याकरण उसका अध्याय 5 जो कि हमारे पिछले वीडियो में शेष रह गया था। अध्याय 5 का जो उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया था उन वीडियो में और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रत्यय। ठीक है, तो ध्यान से आप अपनी पुस्तक देखिएगा, प्रश्न संख्या 39 पर। प्रत्यय, सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन लाते हैं या नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे दास जमा ता, दासता। जैसे दास जमा ता, अब दास से हमने ता जोड़ दिया तो ये बन गया आपका दासता, यानी ये बन गया नया शब्द। दास में ता जोड़ के नया शब्द बना दासता, यानी गुलामी की स्थिति। बंगाल प्लस की, अब यहाँ पर की आने के लिए क्या लिखेंगे, बंगाली। ठीक है, यानी बंगाल में रहने वाले लोग बंगाली। अब आगे है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तृतीय प्रत्यय और तथ्य प्रत्यय। तृतीय प्रत्यय धातु क्रिया के साथ लगने वाले होते हैं और तथ्य प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगने वाले। संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कौन कौन से हैं उसमें हम देखेंगे। पहले यहाँ एक तालिका बनाई है आपके पुस्तक में, आई सबसे पहले है आई, तो लड़ जमा आई लड़ाई, लिख जमा आई लिखा, आप तैर जमा आप तैरा, आन उड़ जमा आन उड़ान आवट, सज जमा आवट सजावट। तो इस तरह से हमने जो हमारा मूल शब्द था लड़ तैर उड़ चुन और सज, इन सब ने क्या करा, प्रत्यय जोड़ दिया और प्रत्यय जोड़ने से हमारा बन गया नया शब्द। ठीक है, ये तो था आपका संज्ञा से। अब है विशेषण में जो बनाने वाले कृत्य प्रत्यय है, अक्कड़ भुलक्कड़, विशेषता होती है उसकी आदत है कि वो भुलक्कड़ किसी बात को भूल जाना। आओ बिकना बिकाओ, बिकना में हमने आओ प्रत्यय लगाया बिकाओ। आओ पढ़ना है, पढ़ना में हमने आओ प्रत्यय लगाया पढ़ाओ कि बहुत ज्यादा पढ़ाओ बहुत ज्यादा पढ़ने में। आया गाना, गाना के साथ आपने आया लगा दिया तो गवैया बन गया, यानी गाना गाने बन गया। इसी तरह से आगे आपका तथ्य। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे लगकर जो प्रत्यय शब्द बनाते हैं उन्हें तथ्य प्रत्यय कहते हैं। जैसे आई पंडित जमा आई पंडित आई, आर लोहार जमा आर लोहार, किया डिब्बा जमा किया डिबिया। तो इस तरह से ऐसे बहुत से उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं जो संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले तथ्य प्रत्यय हो गए। अब संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तथ्य प्रत्यय कौन कौन से हैं, आ जैसे भूख जमा आ भूखा, आलू दया जमा आलू दयालु, यहाँ पर हमने आलू प्रत्यय लगाया आ प्रत्यय लगाया, एक धर्म जमा एक धार्मिक। इसी तरह से आपने ये तालिका पूरी देखनी है जो कि प्रश्न संख्या 40 पर है। अब आगे है आपका प्रश्न संख्या 41 पर विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तथ्य प्रत्यय। आई विशेषण से संज्ञा बनाने वाले, ठीक है, विशेषण से संज्ञा कैसे, आई हमारा प्रत्यय है अच्छा, उसके साथ हमने जोड़ दिया आई अच्छा है, उसके साथ हमने आई जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा नया शब्द अच्छा है। ठीक है, इसी तरह से बुरा जमा आलू बुराई,
आस मीठा जमा आस मिठास आठ कड़वा जमा आर कड़वा ई गरीब जमा ई गरीबी। अब है अरबी और फारसी के कुछ शब्द हैं। अरबी फारसी के किस तरह से है, जैसे नाक, नाक क्या है खतर, और शब्द आया हमारा खतर, तो खतर के साथ हमने नाक को बोलते हैं खतरनाक। खतरनाक क्या है, दान फूल जमा दान फूलदान, फूलदान क्या हो गया संज्ञा। दार माल जमा दार मालदार, ये भी विशेषण हो गया। मंद जमा आकल मंद यानी अकलमंद, अकलमंद होता है वो विशेषण हो गया कि विशेषता है वो बहुत ज्यादा अकलमंद। तो आपने इस अध्याय में बच्चों पढ़ा उपसर्ग प्रत्यय, क्या क्या पढ़ा आपने उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्दांश होते हैं। शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं और शब्द के बाद में लगने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या है, नए शब्द बनते हैं उसमें जोड़ कर। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तत्। तो ये था आपका अध्याय पाँच उपसर्ग और प्रत्यय। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आती होगी और आप इसे अच्छी तरह से अध्याय को पढ़िएगा तथा इन वीडियोज को देख करके इन्हें समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।